नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मार्केट्स के बारे में, जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने नए हाइस की तरफ मूव करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके का कंसोलिडेशन चलता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब फिर से एक मार्केट मोमेंटम पकड़ने की शायद तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम जिस तरीके देख रहे हैं, सेंसेक्स ने 50,000 का लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया है यहाँ पे। और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 50,500 के पार जाके लगभग 1,000 अंकों तक की तेजी जो थी वो सेंसेक्स में देखने को मिली। तो इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिग्गज श्रेणी में आते हैं और वो अपने हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अभी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 6 स्टॉक्स की जो कि दिग्गज कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहाँ पे करेक्शन जो है वो ज़्यादा हुआ है और अभी रिकवरी में उन्होंने अभी तक उतने तेजी से पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो एक अच्छा मौका हो सकता है वहाँ पे आपकी पोजीशन बनाने का, चाहे आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट पोजीशन के लिए बात इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनता है। यहाँ पे ये सारे जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैंने किए वो अच्छे और फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है इन फ्यूचर बनता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वोलेटिलिटी डेफिनेटली रहती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से अगर मार्केट में उतरते हैं तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसेक्स की, निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लगभग 15,175 के लेवल पे जाके हाईएस्ट क्लोजिंग अभी पिछले 2-3 महीनों की अगर हम देखें तो वो दी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास कई बार अटकने की कोशिश जो थी निफ्टी ने की थी, और फाइनली अब इस बार 15,100 15,200 की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम 15,430 के वो हाई से अब सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास दूर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर वैसा होता है तो आपको निफ्टी में एक नया हाई लगता हुआ दिखाई देगा बहुत ही जल्द। लेकिन उसी की जगह अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। यहाँ पे सेंसेक्स का जो हाई था वो लगभग लोगों 52,500 के आसपास का था, और अभी सेंसेक्स 50,500 के आसपास काम काज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं और निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं। तो निफ्टी में कुछ 50 स्टॉक जो ज़्यादा चल जाते हैं, तो इस चक्कर में कभी कभी आपको ये देखने मिलता है कि निफ्टी में कभी आउट परफॉर्मेंस आ जाती है तो कभी सेंसेक्स में आउट परफॉर्मेंस आ जाती है। तो यहाँ पे सेंसेक्स अभी भी 2,000 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई को छूने के लिए, लेकिन अगर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी मात्र 200-250 पॉइंट की दूरी पे है। हमेशा ये देखा जाता है कि सेंसेक्स जो होता है वो निफ्टी की तुलना में 3.3 टाइम्स के आसपास ट्रेड करता है, यानी कि जो भी निफ्टी की वैल्यू चल रही है उससे 3-3.25 गुना पे सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो ट्रेड करती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंसेक्स को 2,000 पॉइंट अगर चलना है तो निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट तक चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो फिर आपको यहाँ पे निफ्टी में पहले हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की कि किस तरीके से वो स्टॉक जो कि अभी भी अपने हाई से बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है दिग्गजों में वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रैली बनती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद जिस तरीके से भी करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे इस स्टॉक ने अभी भी उतने लेवल का पार्टिसिपेट नहीं किया। आप बाकी बैंकों के चार्ट्स को उठा के देखेंगे तो वो अपने हाई से कहेंगे 5-7% ही दूर बचे हैं, लेकिन ये स्टॉक को अगर आप यहाँ कंपेयर करते हैं उसके हाई से जो लगभग 2049-2050 के आसपास का था, और वहाँ से अगर अभी कंपेयर करते हैं ऑलमोस्ट 14-15% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे 2050 का ही लगा था और 1757 इसकी क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्टीम जो है वो बाकी, यानी कि अगर यहाँ पे कैचअप रैली आती है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, 1810-1820, ये वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर अगर ये बैंक टिक जाता है थोड़ी देर के लिए तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर निफ्टी नया हाईस की तरफ जाता है तो डेफिनेटली FIIs की भी जो शॉर्ट पोजिशन है वो भी कटेगी और FIIs जो है नए लॉन्ग भी बनाते हुए दिखाई देंगे। तो FIIs की बाइंग आएगी, तो FIIs उन स्टॉक्स पे बाइंग करेंगे जो उनके फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले भी बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार
27 नवंबर के दिन बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लगभग जो प्राइस था 1900 के आसपास का था वहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी। तो उसके बाद से कहीं कहीं स्टॉक जो है बहुत ही एक छोटे से नैरो रेंज में है, 2000-2050 अपर साइड में, 1700 के बेस के आसपास कहीं कहीं स्टॉक ने अपना बेस बनाया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो 1900 से लेकर 2000 तक के टारगेट की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा भी दिग्गज स्टॉक HDFC लिमिटेड, यहाँ पर इस स्टॉक को भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये स्टॉक ने भी बहुत ज़बरदस्त 2900 रुपये तक के हाई लगाए थे और उसके बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपसाइड डाउनसाइड में बहुत बार इसने मौके दिए। 2400-2350 की रेंज में इस स्टॉक ने भी बेस बनाया, जो कि फरवरी के महीने से पहले यहाँ पे जो बजट से पहले बनाया था ठीक उसी लेवल के आसपास ये बेस बना के घूमने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो ये स्टॉक भी अपने टॉप लेवल से अगर आप देखते हो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आपको 13% के डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है, जहाँ निफ्टी सेंसेक्स जो है अपने कहीं ना कहीं 2-3% डिस्काउंट पर चलते हुए दिख रहे हैं अपने हाई से, वो यहाँ पर 13% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये कैचअप रैली आती है तो 8-10% तक का जो गेन है वो यहाँ पे बहुत ही शार्प आता हुआ दिखाई दे सकता है। वो किस तरीके से आएगा वो देखना होगा। इस स्टॉक के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है 2600 के आसपास की जो रेंज है इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। 2600 का लेवल अगर ये स्टॉक एक बार निकाल देता है तो दोस्तों यहाँ पे भी फिर ये स्टॉक 2700 से 2800 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में मोमेंटम उसी तरीके से बना रहता है कि जून के महीने में अगर बाजार नए हाईज की तरफ मूव करते हैं तो फिर ये स्टॉक भी अपने पुराने हाई जो है 2900 के आसपास तक के उसको छूने की कोशिश कर सकता है। ये स्टॉक भी आपके नज़र में होना चाहिए। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो मारुति सुजुकी का स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आपके नज़र में होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, 8400 तक के हाई जो थे वो कहीं ना कहीं लगते हुए दिखाई दिए थे जनवरी के महीने में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि कोरोना लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सेल्स पर इम्पैक्ट, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, डिमांड में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें जो क्वार्टरली नतीजे आए थे उसमें भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था किन्हीं कारणों से, तो वो सारी चीज़ें फैक्टरी होने का यहाँ पे आपने एक अच्छा खासा जो गिरावट था ऊपरी लेवल से देखा। अगर हम यहाँ पे 8400 के लेवल से देखते हैं तो कहीं ना कहीं अभी स्टॉक 18% के डिस्काउंट पर मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर मार्केट नए हाई लगा रहा है ये स्टॉक अपने पुराने हाई के तरफ भी अभी फिलहाल नहीं गया। तो अगर यहाँ पे कोई मोमेंटम आता है तो फिर ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूव लेता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं एक रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी उस तरीके की स्ट्रेंथ जो है स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही। अगर ये स्ट्रेंथ आती है एक बार ये 6900-7000 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करता है तो जो सबसे पहले टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं 7300 के आसपास और उसके बाद कहीं ना कहीं 7700 तक ये स्टॉक कम से कम मूव करता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद अगर कंटिन्यू होता है ये पैटर्न तो उसके बाद आप ये 8400 तक के जो हाई है जो वो फिर से आपको इस स्टॉक में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे जरूर होना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री की बात करना गलत नहीं होगा। यहाँ पे ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रनअप लेने के बाद बहुत लंबे समय से अगर पिछले हम देख रहे हैं तो पिछले साल इस स्टॉक ने सितंबर के महीने में टॉप आउट किया था मार्केट को और अब यहाँ पे मई का महीना नहीं, लगभग पिछले 8-10 महीनों से स्टॉक एक रेंज में रहता हुआ दिखाई दिया है। अपसाइड में 2300-2350 और डाउन साइड में 1850 के आसपास को जो लेवल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बनता है, 400-500 पॉइंट की रेंज में स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो अब यहाँ पे 1850 एक बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनता हुआ दिख रहा है। 1850-1900 के आसपास जब कभी भी स्टॉक आया तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो हाई लगे थे मार्च के महीने में वो 2200 तक के लगे थे, उसके बाद एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने मिला 1900 तक का, तो 300 पॉइंट तक का करेक्शन यहाँ देखने को मिला है। और हाई से अगर आप यहाँ कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा करेक्शन जो है एक प्रकार से अगर देखते हैं तो वो हो चुका है। और अभी रिसेंट प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं 15-16% के डिस्काउंट पे स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से अगर ये स्टॉक 2000-2025 के लेवल को जो इसके भी स्विंग हाइज थे उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद ये स्टॉक एक बार फिर से 2000-2200 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे बिजनेस में ज़बरदस्त है, पेट्रोकेमिकल चाहे आप टेलीकॉम चाहे किसी भी चीज़ में ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त जो मोमेंटम है वो यहाँ पे आपको आगे चल के देखने मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिटर्न बना के दे सकता है। पाँचवें नंबर पर मैं बात करूँ तो एक ऐसे स्टॉक की
जिसने बहुत ही लोगों का पेशेंट टेस्ट किया है, और वो नाम है आईटीसी लिमिटेड। यहाँ पे अभी भी उस लेवल की तेजी बनी नहीं है जिस लेवल की उम्मीद लोग करके देखें। सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टॉक ने किन्हीं इन्वेस्टर्स को परेशान किया तो वो यही स्टॉक है, अभी भी मार्केट को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी लगता है कि ब्रेकआउट होने वाला है, उस वक्त यहाँ पर फिर किसी न किसी कारण से गिरावट आ जाती है। लेकिन इस स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे, 200 रुपये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कामकाज कर रहा है, यानी कि अभी रिसेंटली स्टॉक ने 240 तक के आसपास के हाई छुए थे और उसके बाद 200 रुपये तक का करेक्शन आया था, यानी कि एक अच्छा खासा करेक्शन जो था ऊपर से आया। 200 के आसपास इसने कई बार मल्टीपल टाइम जो है 3-4 बार से ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से रिवर्सल हुआ है। अभी स्टॉक 209 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से अपसाइड से ऊपर उसके टॉप से देखते हैं 238-240 के लेवल से, तो ये स्टॉक भी कहेंगे 12-13% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और एक बार अगर स्टॉक 240 के लेवल को निकाल लेता है ऊपर की तरफ तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने मिल सकता है। हालांकि अभी यहाँ पे स्टॉक में उस लेवल का भी स्ट्रेंथ आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट बिजनेस और बाकी एफएमसीजी बिजनेस, होटल बिजनेस, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसका भी सीधा सीधा इंपैक्ट जो है स्टॉक को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर से 300-350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जिस दिन भी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो उस स्टॉक में आपको फिर ज़बरदस्त जो है रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। और छठवें और लास्ट नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो HDFC ग्रुप की एक और दिग्गज कंपनी HDFC AMC, इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो 3800 के आसपास का था, जो कि 2019 में लगा था। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट है और स्टॉक में रिकवरी आई थी, तो अभी 3200-3300 तक के जो हाइस थे वो यहाँ पे लगे थे, लेकिन उसके बाद से फिर से स्टॉक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2700-2800 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की। अभी स्टॉक का जो लेवल चल रहा है 2813 के आसपास, मार्केट अपने नए हाइस के करीब पहुँच गया, लेकिन ये स्टॉक अभी फिर से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है आपके पास कि एक लोअर लेवल पे एक अच्छा दिग्गज स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ से अगर ये स्टॉक फिर से अपसाइड में मूव लेने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं फिर 3200-3300 तक के लेवल अगर यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न जो है यहाँ से 10-15-20% तक का एक शॉर्ट टर्म में आपको बनता हुआ दिख सकता है। और ये स्टॉक ऐसा है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। मूवमेंट की जो है बात, यहाँ पे आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अगर आपका नज़रिया 2 साल 3 साल 5 साल का है तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने का मादा रखता है, क्योंकि जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है, वो बेहतरीन तरीके से ये आगे चल के आपको रिटर्न बनाता हुआ देगा। तो यहाँ पे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको पैसा जो तुरंत कभी नहीं बनता, किस्मत होती है, मोमेंट होता है मार्केट में, कभी तो तुरंत पैसे बन जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा अगर आप समय देते हैं तो डेफिनेटली आपको एक लंबा पैसा जो है आपको लॉन्ग टर्म में ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 6 दिग्गज स्टॉक्स जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ये स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये मेरी पर्सनल राय है। आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।